फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 30 साइज का कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो देखिए, मेन फैब्रिक लिया है मैंने और अस्तर का फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे अस्तर के फैब्रिक पर। तो कपड़े के जो बंद भाग है उसको अपनी तरफ करते रखेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ाकर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 4.5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.7 इंच पर। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। चेस्ट हमारा 30 है तो उसका चौथा आएगा 7.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। ये डीप नेक ब्लाउज है तो 1/2 इंच बाहर की तरफ लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट हमारा 26 है तो उसका चौथा आएगा 6.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हमने जैसे मार्किंग की उसी के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट हम चार्ट पेपर पर निकाल रहे हैं। अगर आपका फैब्रिक 1 मीटर का हो तो आप डायरेक्ट फैब्रिक पर बढ़ा सकते हैं और निकाल सकते हैं। कटोरी कैसे बढ़ाते हैं ये भी हम चार्ट पेपर पर ही देखेंगे। तो ये बेल्ट ब्लाउज है हमारा, तो 1 इंच पर ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे पेपर पर और ये लाइन छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रखना है और एज इट इज बैक पार्ट को हम ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के हिसाब से बैक पार्ट को ड्रॉ कर लेना है चार्ट पेपर पर। अब हम फ्रंट का आर्म होल की गोलाई दे देनी है, तो चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब हम नेक का मेजरमेंट लेते हैं, तो नेक हमारा 1.25 इंच लिया है मैंने विथ में और लेंथ में रखा है 6 इंच और नीचे से विथ में 2.25 इंच लेते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स दिया है और नेक का शेप दे देंगे। अब बेल्ट निकालना है 3 इंच पर, साइड से मैं 2.5 इंच पर लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब सामने की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेना है और साइड से हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए बेल्ट का शेप दे देंगे। अब हमारा चेस्ट 30 है तो उसके हिसाब से कटोरी आएगी हमारी 4.5 इंच पर। सेंटर से 4.5 इंच, आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच और नेक की तरफ से 5 इंच पर लेते हुए पूरे डॉट को हमें ऐसे जोड़ लेना है। देखिए, ऐसी हमारी छोटी कटोरी निकल के आ रही है। अब आर्म होल हम 1/2 इंच डाउन कर लेंगे। देखिए, जैसे मार्किंग की उसी के अकॉर्डिंग हम कट कर लेंगे। सबसे पहले हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं, बेल्ट अलग कर लेते हैं। आर्म होल हम फ्रंट का ही कट करेंगे। देखिए, इसी तरह से हमारे सभी पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब नेक की भी कटिंग कर लेंगे, नेक को भी अलग कर लेना है। अब जो हमारी छोटी कटोरी निकल के आ रही है उसको कट कर लेते हैं। ये छोटी कटोरी हमारी निकल के आ रही है, इसको कैसे बढ़ाते हैं ये भी हम चार्ट पेपर पर देखेंगे। तो कटोरी को साइड से 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए छाट लेना है। अब इसको हम बढ़ाएंगे। ये 30 साइज का चेस्ट है हमारा, तो कटोरी को हम चार्ट पेपर पर रखते हुए साइड से हम चारों साइड से उसको बराबर से ड्रॉ कर लेना है। अब दोनों कॉर्नर से हमें 1 इंच पर कटोरी को बढ़ा लेना है। एक छोटी चेस्ट का कटोरी है इसलिए 1 इंच पर बढ़ाएंगे। अगर आपकी चेस्ट हेवी चेस्ट है तो 1.5 इंच तक बढ़ा सकते हैं। इसका सेंटर निकालते हुए 1.25 इंच पर नीचे करते हुए ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब सामने की तरफ से हमें 1/2 इंच सिलाई हाई हुक के लिए और साइड से सिलाई मार्जिन के लिए 1/2 इंच बढ़ा लेना है और इसे कटोरी का शेप दे देंगे। देखिए, ये हमारी बड़ी हुई कटोरी निकल के आ रही है। अब हमें छोटी कटोरी का कोई काम नहीं है, बड़ी हुई कटोरी हम अस्तर के फैब्रिक पर रखते हुए कट करेंगे। इसी तरह से सभी पार्ट हमारे कट हो चुके हैं। अब सभी पार्ट हम अस्तर के फैब्रिक पर रखते हुए उसको कट कर लेंगे। कटोरी हमेशा तिरछे में ही रखिएगा। देखिए, सभी पार्ट मेरे मेन फैब्रिक के साथ और अस्तर के फैब्रिक के साथ कट कर लिए हैं। मेन फैब्रिक के साथ कट करते हुए मेन फैब्रिक 1/2 इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी डिजाइन के साथ। तो अभी हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे और पूरे चारों साइड से हम इसको स्टिच कर लेंगे। पूरे चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। अब हमारा मेन फैब्रिक जो बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। मेन मेजरमेंट हमने अस्तर के फैब्रिक पर लिया था, तो इसीलिए अस्तर के बराबर से सभी पार्ट हम कट करेंगे।
इसी तरह से हमें कटोरी का पार्ट भी रेडी कर लेना है। तो मेन फैब्रिक पर राउंड साइड पर रखेंगे और पूरे चारों साइड से इसको स्टिच कर लेंगे। चारों साइड से स्टिच कर लेनी है। अब जो हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए अस्तर का फैब्रिक ना कटे इसका ध्यान रखें। देखिए इस तरह से सभी पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमें बेल्ट रेडी करना है। तो बेल्ट हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे और हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए उसको नीचे से स्टिच कर लेंगे और छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अस्तर के फैब्रिक को पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे और अस्तर को पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे। अब फैब्रिक को पलटाते हुए मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच कर लेना है। अब जो मेन फैब्रिक हमारा बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से सभी पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसकी हम स्टिचिंग देखेंगे। तो ऐसे कटोरी को फोल्ड कर लेना है और सवा एक इंच पर हमें इसे डार्ट निकालना है। तो यहाँ से ले रहे हूँ मैं सवा एक इंच और लेंथ में रख रहे हूँ मैं सवा दो इंच पर। ऐसे डार्ट की एक स्टिच कर लेंगे। देखिए ऐसी कटोरी हमारी रेडी हो चुकी है। इसको हमें साइड के पार्ट के साथ अटैच कर लेना है। दोनों पार्ट बराबर से रखते हुए अटैच कर लेंगे। खींचना नहीं है, दोनों पार्ट को बराबर रखते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। अब हमारा बेल्ट है, बेल्ट को भी अटैच कर लेना है। तो हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हैं। हमने बेल्ट बढ़ाते हुए एक इंच बढ़ा कर लिया था, इसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें बेल्ट अटैच कर लेना है। नीचे हाफ इंच चला जाता है और ऊपर की स्टिचिंग में हाफ इंच चला जाता है, इसलिए हम बेल्ट की मार्किंग करते वक्त एक इंच बढ़ा कर करते हैं। तो देखिए इसी तरह से बेल्ट हमारा अटैच हो चुका है। अब हमें हाई की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो हाई की पट्टी हमेशा मेन फैब्रिक की ही लीजिएगा। और जो हमने हाई हुक के लिए हाफ इंच बढ़ा कर लिया था कटोरी बढ़ाते वक्त, उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें हाई हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। अब छोटे कट्स लगा लेते हैं और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। अब पौने एक इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हमें पट्टी को फोल्ड कर लेना है और बराबर सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। बाहर की तरफ पौने एक इंच निकालते हुए हमें ये पट्टी कट अटैच करनी होती है हाई की। अब नेक के बराबर से उसको कट कर लेंगे और एक पैर का मार्जिंग रखते हुए एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। तो दूसरे पार्ट को हम हाई की पट्टी अटैच करेंगे। हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए हमें फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। आप चाहे तो रॉप स्टिच रख सकते हैं। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमें दोनों हाई हुक की पट्टी चेक कर लेनी है। अगर हमारा कम ज़्यादा हो तो उसको हम छाट लेंगे नेक रेडी करने से पहले। ऐसे हमें छाट लेना है और दोनों पार्ट को हमें तुरपाई का नेक रेडी करना है। तो मैंने ये उरेब में पट्टी ली है और उसको एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हमें पट्टी को स्टिच कर लेनी है। अब पूरे नेक को छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे। अब हम पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक रॉप स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमारे तुरपाई का नेक रेडी हो चुका है। बाद में हम ये रॉप स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से तुरपाई कर लेंगे। इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। देखिए दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।